मैं तो यही कहना चाहूँगा बॉलीवुड के सभी जितने भी ये कलाकार हैं उनसे कि इस देश में फिल्मों के माध्यम से आदर्श हमारे महाराणा प्रताप, हमारे पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, हमारे भगवान श्री राम, परशुराम, ये होने चाहिए, लक्ष्मीबाई होने चाहिए, रानी अवंती बाई होनी चाहिए। कोई मुगल आक्रमणकारी हमारे यहाँ पर आकर आप ऐसे उसको एक हीरो की तरह प्रदर्शित कर रहे हो तो वो कोई हमारा आदर्श थोड़ी हो जाएगा। हम महाराणा प्रताप को चाहते हैं, पृथ्वीराज चौहान को चाहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को चाहते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, इनको थोड़ी मानेंगे। और ये जैसे इनकी पिक्चर फ्लॉप हो रही है वो दिनों दिन होती रहेंगी, आप देखते जाइए। देश की जनता जागरूक है, इनको बहिष्कार करेंगे, अभी तक करते आए हैं। ये हिंदू धर्म का जिस तरीके से अपमान मनाते हैं उसे बहुत सालों तक बर्दाश्त कर लिया, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हद तक। जितना बर्दाश्त करना था उतना बर्दाश्त कर चुके हैं। हर ठाकुर हर पिक्चर में ये लोग दिखाते हैं कि वो अत्याचारी है, हर ब्राह्मण को ये पिक्चर में दिखाते हैं कि वो बलात्कारी है, पाखंडी है, हर बनियों को दिखाते हैं वो सूदखोर है। ये अपमान करते हैं हिंदू धर्म के लोगों का, क्यों करते हैं ये अपमान? तो हिंदू जाता है ना। और मेरी बात सुनिए, हर फिल्म में आपको एक रहीम चचा मिलेंगे, अल्लाह के नेक बंदे। अरे तो हम में क्या बुराई है भैया, हम में क्या बुराई है? अगर रहीम चचा अल्लाह के नेक बंदे हैं, अगर रहीम चचा अल्लाह के नेक बंदे हैं तो हम लोग कोई दुश्मन थोड़ी है आपके। क्या फिल्मों के माध्यम से आप एक वर्ग को इज्जत दे रहे हो, दूसरे वर्गों को आप अपमानित कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन लोगों को साउथ मूवी वालों से सीखना चाहिए कैसे वो लोग मूवी बनाते हैं, हिंदू धर्म को सम्मानित करते हैं, अपमानित कर रहे हैं ये लोग। तो इनकी दुकान ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। तो इंग्लिश नेम है, ठीक है, ऊपर से इसके अंदर मजाक उड़ा रहे हैं, अजय देवगन साहब उड़ा रहे हैं, ये तो बहुत गड़बड़ बात है, समझ रहे हो नहीं? मैं बॉलीवुड से खुद जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अजय देवगन एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, लेकिन एक अच्छा कलाकार होने के लिए सबसे पहले उनको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। जब तक ईमानदारी से नहीं चलेंगे, देश हित सबसे ऊपर होना चाहिए। कि तिरंगा मेरी आन है, तिरंगा मेरी शान है, राष्ट्र हित सर्वोपरि, रखता बसीन ध्यान है, रखता बसीन ध्यान। तो मेरी सोच में तो यही है कि मैं चाहूँगा पहले ईमानी होना चाहिए आदमी। ईमानदार होगा, ईमान वाला होगा तो सही काम करेगा, कलाकार हो, राइटर हो, एक्टर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो। देश का अगर है शुभ चिंतक है तो उसका दमदार होना चाहिए, गद्दार नहीं होना चाहिए। अब तो बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, मुझे एक बात बताइए, शुरू से एक नैरेटिव चल रहा है कि कोई भी आता है हिंदू धर्म का मजाक उड़ा के चलो, जो भी आता है ये टुकड़े टुकड़े, और ये कई लोगों के साथ मिल जाते हैं, अवार्ड वापसी गैंग आते हैं, कभी शाहरुख आ गया, वो जाता है, जी मैं आई एम ए खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट, व्हाट इज दिस यार? ईमानदारी से आओ ना, आ सके तो आ जा दिल में सीधे सीधे और ईमान से। बड़ी चिढ़ है मुझे सच में झूठी शान और मुस्कान से। झूठी कोई चीज़ नहीं चाहिए, यहाँ सच्ची चाहिए, ईमान वाली बात होनी चाहिए। देश का एक संविधान है और सबसे ऊपर हमारा सच्चाई और ईमान है, क्या? तो सबसे पहले वो होना चाहिए। तो फिल्में ऐसी बनाओ, पैसा लगाते हो तो जिसके अंदर देश का भला हो और समाज को, हमारे युवा वर्ग को, नए आने वाली पीढ़ी को कुछ संस्कार मिले, कुछ सीखने को मिले। उल्टी सीधी थैंक गॉड तुम भगवानों का मजाक उड़ा रहे हो, कभी आमिर खान करता है, कभी शाहरुख करता है, कभी ये करता है, इन्होंने क्या हो रखा है इनको? ये सब पीछे से फंडिंग होती है इनको, ठीक है, इन्हीं के दम पे फिल्में बनाते हैं वो कहते हैं जी ऐसे ऐसे स्टोरी लिखवाओ, इसके अंदर मजाक भगवान का मजाक उड़वाना है, तब हम आपको मेन लीड में लेंगे। लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गए फिर भी ये लोग सबक लेने को तैयार नहीं है। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की फ्लॉप हो गए फिर भी ये लोग सबक लेने को तैयार नहीं हो रहे ना, ये वो ढीठ है ना, होते ना बार बार, हुआ बस चस्का पड़ गया इनको, अब वो कहते हैं हमने तो यही करना है, पीछे से फंडिंग हो रही है, लंबी कहानी है, ये नहीं मानेंगे। वो कहते हैं हमने बहुत कुछ तो कमा लिया है, अबे कमा क्या लिया, पैसा कमाया तुमने, तुम तो बदनाम हो रहे हो अभी इस टाइम, जो देश का विरोध चल रहा है उल्टा चल रहे हो तुम जाके। नमो जी मोदी योगी, सिर्फ दो ही तो हीरो हैं, नायक, ये हमारे आदर्श होने चाहिए। यहाँ पे तो गांधी को आदर्श, नेहरू को आदर्श बना रखा है लोगों ने, सरदार पटेल, भगत सिंह, इनका तो इतिहास ही निकाल दिया उन्होंने। अच्छा ट्रेलर में दिखाया गया है कि आपको पता होगा जो चित्रगुप्त भगवान होते हैं, वो जो हिंदू होता है जब कोई मर जाता है उसका लेखा जोखा रखते हैं, यमराज के साथ रहते हैं, उसमें अजय देवगन बैठे हैं, बराबर में चारों तरफ उनके लड़कियां बैठी हुई है जो अधनग्न वस्त्रों में, ये क्या दर्शाता है? ये क्या होता है, फिल्म जब बेचती है ना, मैं फिल्म लाइन से हूँ, मैं खुद राइटर एक्टर हूँ, तो मैं बताता हूँ उसके अंदर मसाला बनाना पड़ता है थोड़ा सा। वो कहते हैं मसाला लगाओ, थोड़ा आइटम पेश करो इसके अंदर, जब कुछ दिखेगा तो बिकेगा, ठीक है, और दिलगन दिखाओ थोड़ा सा, है कम कपड़ों के अंदर, कम लिबास में हो, थोड़ा सेक्सी लगना चाहिए। यार क्या सेक्सी लगना चाहिए, तुम सही चीज़ पेश करो ना, जो एक्चुअल कहानी है चित्रगुप्त की उसको उसी हिसाब से दिखाओ, उसमें मिलावट मत करो कुछ भी। मिलावट करोगे तो बहुत लोगों की बुद्धि, सब लोग जागे हुए हैं, बड़े बड़े लोग, वो देखते हैं, वो ट्रेलर देख के पूरी फिल्म का बैंड बजा देंगे। दीपावली जैसे मौके पर रिलीज की जाए, अरे दीपावली हो, होली हो, कोई भी हो, ईद हो, दिवाली, कुछ भी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बैंड बजेगा तो पब्लिक अब जाग गई है।
मेरी जान पब्लिक अब जाग गई है और अब वो देश की इज्जत चाहती है, ठीक है, देश का भला चाहती है। बॉलीवुड साउथ से क्यों नहीं सीखता? साउथ में इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है, हिट हो रही है लगातार, बॉलीवुड फ्लॉप फिल्में दे रहा है। साउथ वाले हैं ना, बड़ी अच्छी फिल्म बनाते हैं वो, उनके अंदर थोड़ी ईमानदारी भी है, वो जो भी चीज़ बनाते हैं बड़े ढंग से, उसमें कलात्मकता ज़्यादा होती है, आर्टिस्टिक, और बड़े जीनियस लोग हैं वो। यहाँ वाले बॉलीवुड वाले मिक्स है, थोड़े मिक्स ब्रीड हैं ये लोग, ठीक है, इनको जहाँ से पैसा आता है लालच के अंदर कुछ भी कर देते हैं, वो कहानी का वो कहते हैं सत्यानाश कर देते हैं ये, ठीक है, वो बस अपने लोभ लालच के अंदर अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको होता है ना ऑर्डर होता है, ऊपर से उनके आका होते हैं, बोलते हैं भैया ऐसे स्टोरी में ये करवाओ वो करवाओ तभी फंडिंग होगी, वो चलेगी चलेगी क्या? अब पब्लिक जाग गई है, जितना तुम गंद पैदा करोगे देश के ऊपर तो तुम्हारे को तो बैंड बजेगा ही, तुम्हारा बायकॉट होगा पिक्चर का। अजय देवगन और अमिताभ उड़ा रहे, जिस तरीके से चित्रगुप्त को दिखाया गया है एक फनी अंदाज में, वो सजा देते हुए दिखाया गया। मैं तो यही कहना चाहूँगा बॉलीवुड के सभी जितने भी ये कलाकार हैं उनसे कि इस देश में फिल्मों के माध्यम से आदर्श हमारे महाराणा प्रताप, हमारे पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, हमारे भगवान श्री राम, परशुराम, ये होने चाहिए, लक्ष्मी बाई होने चाहिए, रानी अवंती बाई होनी चाहिए। कोई मुगल आक्रमणकारी हमारे यहाँ पर आकर आप ऐसे उसको एक हीरो की तरह प्रदर्शित कर रहे हो तो वो कोई हमारा आदर्श थोड़ी हो जाएगा। हम महाराणा प्रताप को चाहते हैं, पृथ्वीराज चौहान को चाहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को चाहते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, इनको थोड़ी मानेंगे। और ये जैसे इनकी पिक्चर फ्लॉप हो रही है वो दिनों दिन होती रहेंगी, आप देखते जाइए, देश की जनता जागरूक है, इनको बहिष्कार करेंगे, अभी तक करते आए हैं। ये हिंदू धर्म का जिस तरीके से अपमान मनाते हैं उसे बहुत सालों तक बर्दाश्त कर लिया, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हद तक, जितना बर्दाश्त करना था उतना बर्दाश्त कर चुके हैं। हर ठाकुर हर पिक्चर में ये लोग दिखाते हैं कि वो अत्याचारी है, हर ब्राह्मण को ये पिक्चर में दिखाते हैं कि वो बलात्कारी है, पाखंडी है, हर बनियों को दिखाते हैं वो सूदखोर है। ये अपमान करते हैं हिंदू धर्म के लोगों का, क्यों करते हैं ये अपमान? हिंदू जाता है ना। और मेरी बात सुनिए, हर फिल्म में आपको एक रहीम चर्चा मिलेंगे, अल्लाह के नेक बंदे, अरे तो हमें क्या बुराई है भैया, हमें क्या बुराई है? अगर रहीम चचा अल्लाह के नेक बंदे हैं, अगर रहीम चचा अल्लाह के नेक बंदे हैं तो हम लोग कोई दुश्मन थोड़ी है आपके, कि आप फिल्मों के माध्यम से आप एक वर्ग को इज्जत दे रहे हो, दूसरे वर्गों को आप अपमानित कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन लोगों को साउथ मूवी वालों से सीखना चाहिए कैसे वो लोग मूवी बनाते हैं, हिंदू धर्म को सम्मानित करते हैं, अपमानित कर रहे हैं ये लोग, तो इनकी दुकान ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। अपमान नहीं करना चाहिए, देश के अंदर रह रहे हो ना, देश के दम पर ही तुमने यहीं से कमाया है, ठीक है, तो देश जो हमारी मातृभूमि है, बुलंद रहे माँ भारती ये हमने ठाना है, हम आर्मी जवानों का, हम देश भक्त जवानों का यही बस गाना है, बुलंद रहे माँ भारती ये हमने ठाना है। तो मेरी निगाह में तो एक ईमानदार, एक देशभक्त होने के नाते, मैं देशभक्त पहले हूँ, इंसान पहले हूँ, उसके बाद मैं कलाकार हूँ, राइटर हूँ, गीतकार हूँ, एक्टर हूँ, तो मैं पहले सबसे पहले उसमें समझौता नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे पीछे एक दिन आ गया कोई, कहता जी फला फला पार्टी का आपने ऐड करना है, जो पार्टी मैं तो बीजेपी से जुड़ा हूँ, कट्टर हम देशभक्त आदमी है, मैंने कहा मैं मोदी जी का ऐड कर सकता हूँ, बीजेपी का कर सकता हूँ, ये फला पार्टी का मेरे बस का नहीं है। तो मैंने अपनी छवि बना रखी है ईमानी तूफानी, मैंने कैंसिल करवा दिया, मैंने कहा शाहरुख से करवा लो, सलमान कर देगा वो, ठीक है, बड़े बड़े उनके पास जाओ, मेरे पार्टी मैं नहीं कर सकता। तो मैंने मना कर, नहीं नहीं सर आपका फेस चाहिए हमें, मैं कहा फेस चाहिए ठीक है, मेरे का मेरी भी तो फेस वैल्यू है अपनी। तो मैंने ईमानी तूफानी स्वाभिमानी शायर के नाम से मशहूर हूँ, एक्टर भी हूँ मैं, ठीक है, तो मैंने बहुत काम किए हैं जाके। बॉलीवुड को क्या संदेश देना चाहेंगे जो सद्बुद्धि आ जाए? बॉलीवुड को यही कहना चाहूँगा कि कहने और करने में कोई अंतर ना चाहिए, हैं, कहें जो उसे करने से नहीं मुकरना चाहिए। सच में लोग दमदार दमदार मिलते मिलते अब मुश्किल से, सच ईमान वालों को कभी ना डरना चाहिए, कभी ना डरना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बॉलीवुड में लगातार हिंदू धर्म का अपमान उड़ाया जा रहा है, कि इस तरह से जो हिंदू धर्म पर जो खिलवाड़ हो रहा है उसका सख्त से सख्त विरोध करना चाहिए और उसको बॉयकट करना चाहिए, तभी वो सुधरेंगे, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। इस तरीका बहुत अच्छा है सबका विरोध करने। देवगन की एक थैंक गॉड मूवी आ रही है जो दीपावली पर रिलीज होगी, उसमें चित्रगुप्त को दिखाया गया है कैसे लड़कियों के बीच में बैठे हुए, तो उसका तो विरोध करेंगे, कोई भी होगा, कोई हीरो होगा, भले वो हिंदू होगा या मुस्लिम होगा या कोई भी कलाकार होगा, लेकिन इस तरह से अपने देवी देवताओं के साथ में जो इस तरह से गलत अर्थघटन करके प्रस्तुत करेगा तो उसका वाकई में विरोध करना चाहिए और होगा ही विरोध, मैं भी सहमत उस बात से। अच्छा लगातार आखिरी सवाल, बॉलीवुड की लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही है, उसके बाद ही बॉलीवुड पटरी पर आने को तैयार नहीं? बिल्कुल नहीं आएगा पटरी पर, ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, इनके आका कोई और हैं,
ये कमाते हमसे हैं, खाते हमसे हैं, लेकिन ये मानते दूसरों की हैं। ये इनका नेटवर्क कहीं और से चलता है, इसलिए ये लगातार, आज से नहीं, अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी, आप अमिताभ बच्चन की उम्र देखिए, उसमें 30 साल, तब से हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है और ये करते जाएंगे, ये बाज नहीं आएंगे। इनको बाज लाने के लिए देश की जनता जागरूक हुई है, लोगों ने समझा है कि हाँ ये हमारे धर्म का अपमान करते हैं, लोग जागरूक हुए हैं, इसीलिए लोग अब इनको बहिष्कार कर रहे हैं। ज्यादा जागृति होगी ना तो अपने आप इनकी इनका बैंड बज जाएगा। अभी अब समझ आना लग पड़ा है कि ये चक्कर क्या है, ये करते क्यों है, ऐसे दिखता नहीं है लोगों को। अब उनको बताया जा रहा है सबको कि यार ये हिंदू देवी देवताओं के हमारे इनके अपमान कर रहे हैं, हैं जो अपने राज के प्रतीक हैं, जो लोग हैं जिनके ऊपर आदर्श के ऊपर हमें चलना चाहिए, उनके तुम इस तरीके से उसके ऊपर तुम मिट्टी मल रहे हो, तुम जाके क्या है ये कौन सी मानसिकता है। ये सब जितने विरोधी हैं ना, मोदी जी के विरोधी हैं, योगी जी के, वही ऐसे काम करते हैं क्योंकि उनको फंडिंग हो रही है, उनके आका देते हैं पैसे, करो करो करते रहो तुम यार, तुमने थकना नहीं है। अब तुम थकोगे क्या, टूटोगे, टूट जाएंगे ये खुद ही। वो जब पब्लिक जाग गई है ना, एक तरफ पब्लिक जाग रही है, उनको समझ आ रहा है कि नहीं गुरु ये कहानी होती है, ठीक है नहीं, अब उनको सस्पेंस क्लियर हो गया है। जो पीछे की पिक्चर है ना वो पब्लिक को समझ आनी शुरू हो गई है, पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है मेरी जान, अब जाग गई है।